हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग श्रग के आइडियाज़। श्रग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हमारे डेली यूज़ के सूट के साथ, अगर हम उसे पैरअप कर सकें या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं उसके सूट्स के साथ भी पैरअप कर सकें। ये किसी के साथ भी जाता है, लहंगा हो, जीन्स हो, प्लाजो हो, पैंट हो, हर किसी के साथ ये खूबसूरत लगता है और आप किसी भी सीज़न में इसे बहुत ही ईजी तरीके से वेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप ये दोनों श्रग देख रहे हैं, कॉटन का है और एक जॉर्जेट का है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक पे नीचे प्लाजो वेयर किया गया है और एक पे लहंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताई कि ये जो श्रग होते हैं वो हर किसी पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी जो चल रहा है ट्यूलिप पैंट या धोती शलवार, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर गर्मी का सीज़न है तो आप इसे मल में बना सकते हैं, कॉटन में बना सकते हैं और गर्मियों में भी कुछ अच्छे से वेयर करके श्रग लॉन्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपकी हाइट कम है तो उसमें अगर आप श्रग वेयर करेंगे तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी दिखती है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड अगर ठंडी का सीज़न है तो अगर आपके पास ब्रोकेट मटेरियल पड़ा हुआ है तो उससे आप श्रग बना सकते हैं। अगर आपके पास चिकनकारी का मोटा मटेरियल पड़ा हुआ है तो उससे आप बना सकते हैं श्रग। तो ऐसा है कि मतलब विंटर हो या गर्मी का सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, तो उसमें आप किसी भी मटेरियल में जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उससे आप बहुत ही इजी तरीके से श्रग बना सकते हैं। श्रग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे भी चैनल्स में है तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक देने की कोशिश करूँगी आपको नीचे, तो आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। फ्लोरल में भी श्रग बहुत अच्छा लगता है। अगर आप प्लेन कुछ पहन रहे हैं तो उसके ऊपर फ्लोरल पहन लीजिए, अगर आप फ्लोरल कुछ पहन रहे नीचे तो उसके ऊपर प्लेन श्रग पहन लीजिए, यानी वाइस वर्सा कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों केसेस में मैं आपको यही, इस वीडियो का मेरा यही मोटिव है कि जो श्रग है वो बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन होता है अच्छे और सुंदर लगने के लिए। एंड ये बहुत दुपट्टे की जगह पे होता है, यानी दुपट्टे में अगर आप अच्छे से कैरी नहीं कर सकते अपने आप को तो उस दुपट्टे का श्रग बना लीजिए। तो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आपको दुपट्टे को फिजिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। या आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बहुत ही ईजीली एकदम अच्छे से पार्टी अटेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ये आउटफिट रहता है और काफ़ी ट्रेंडी भी है आजकल। ऐसा नहीं है कि ये पुराना ट्रेंड है, आपको इसमें ये कैसे आप पहन सकते हैं अभी, ये तो अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। सारी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो टेलीविजन की हों चाहे वो बॉलीवुड की हों, सब आजकल श्रग्स पहन रहे हैं। तो इस तरीके का रफल श्रग भी आप बना के पहन सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी पड़ी हुई तो उसके हेल्प से आप इस तरीके का रफल श्रग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है श्रग क्रिएट करना। नॉर्मल आपके पास अगर पुरानी कमीज़ है और आप उसको पहन के बोर हो चुके हैं तो उसको बीच में से कट कर लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए, जो पार्ट आपने कट किया है वो भी एक श्रग बन जाएगा। तो श्रग बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ये श्रग है जो मैंने आपको कमीज़ की बात बताई, उसको आप कट कर लीजिए, अंदर एक क्रॉप टॉप पहन लीजिए, नीचे जीन्स या प्लाजो पैक कर लीजिए, तो आपकी जो पुरानी कमीज़ है उसको एक डिफरेंट ही लुक मिल जाएगा और एकदम बहुत अच्छा से आपको अच्छा लगेगा पहनने के लिए। और आपका जो पुराना कपड़ा है वो भी रीयूज़ हो जाएगा। यू नो मम्मी काफ़ी चिल्लाते हैं कि हम इतने सारे कपड़े कबर्ड में रखते हैं उसे वेयर नहीं करते, तो इस तरीके से उसका किसी तरीके से डीआईवाई बन जाए और उसे काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मम्मी भी खुश हो जाएंगी और आप भी खुश हो जाएंगे। तो काफ़ी ऐसी हमारी कमीज़ होती है जो कमीज़ में तो नहीं अच्छी लगती, बट जिस जैसे ये फ्लोरल है तो ऐसे कोई कमीज़ आपके पास फ्लोरल है तो बस उसका बीच में से कट कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए जो पार्ट आपने कट किया है, और उसके बाद नीचे इस तरीके से रिप जीन्स टॉप या कुर्ती या प्लाजो कुछ भी पहन लीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मेरा आज का जो वीडियो था ये पूरा इसी भी बेस था कि किस किस अलग अलग टाइप से श्रग आप वेयर कर सकते हैं। ये भी जो लुक है आप अपनी पुरानी कमीज से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आप नीट लगेंगे। अगर आप को फिजिटिंग होती है दुपट्टे में तो आप नीट लगेंगे अगर आप श्रग कैरी करते हैं। तो अगर आप शॉर्ट ड्रेस में भी पहन रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी श्रग पहन सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ आपने देखा कि आप श्रग को लेगिंग्स, प्लाजो, जीन्स, आप लहंगा, शॉर्ट ड्रेस, ट्यूलिप पैंट, धोती शलवार, वेरियस ऐसा लोअर्स है या क्रॉप टॉप है या लॉन्ग कुर्ता है, आप किसी के साथ भी श्रग अगर पैरअप कर रहे हैं तो आप हर किसी में सुंदर लगेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो का मोटिव था, आमतौर पे हमें नहीं पता चलता है। बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टर्स हैं जो उन्हें नहीं पता चलता है कि हम कैसे अच्छे लगेंगे, क्या पहने, हम आसपास पूछते हैं बट
ये वीडियो के ज़रिए अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप में से किसी कुछ को भी इस वीडियो को यूज़फुल लगा हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड आइडियाज़ दीजिएगा कि आपको और किस तरीके की आइडियाज़ चाहिए। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम।